अयो तो हो गया गीला। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, यहाँ पे हमारी और हमारे सामान की पूरी चेकिंग होगी। ये इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से पढ़ लो, ये पूरा आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारा कार्ड वगैरह देखा जाएगा जो हम पीछे लेके आए हैं, बिना कार्ड के यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको ये करूँगा कि आपके पूरे ग्रुप में जितना भी सामान हो किसी एक इंसान को दे दो, और क्योंकि बाकियों की कोई चेकिंग नहीं होगी, आप टाइम नहीं लगेगा, आराम से जा सकते हो। थोड़ा सा दूर चलते ही यात्रा की स्टार्टिंग में ही आपको एक गंगा जी मिलती है जिनका नाम है बाणगंगा। बाणगंगा इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पे जब माँ वैष्णो देवी यहाँ से जा रही थी तो उन्होंने अपनी बाण से ये गंगा जी यहाँ से निकाली थी, और इसको बाल गंगा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है यहाँ पे माता ने अपने बाल धोए थे। ऐसे ही आगे चल के, अगर थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे उन्होंने अपने चरण पादुका उतारा थे तो वहाँ पे उसका मंदिर भी है। ऐसे यहाँ पे बीच बीच में मंदिर पड़ते हैं, तो यहाँ से अगर आप हाथ मुँह वगैरह धोकर जा सकते हो, और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है, तो यहाँ से ज़्यादातर लोग अपना यात्रा को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम दो शब्दों से मिला है, बाण, बाण का अर्थ होता है तीर, और गंगा जो भारत की पवित्र नदी गंगा के लिए है, इसीलिए इसको गंगा भी कहा जाता है, और ये हिमालय की दक्षिणी ढलान से आती है। और कहानी यह भी है, जब माँ वैष्णो देवी बंदर के साथ त्रिकुटा पहाड़ियों में अपने निवास की ओर जा रही थी तो उन्हें प्यास लगी, तब देवी ने जमीन में एक बाण मारा और एक झरना फूट पड़ा जिसे आज बाणगंगा के नाम से सब जानते हैं। हिंदू भक्तों के लिए ये एक पवित्र नदी है और एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। रेनी सीजन में, मॉनसून वगैरह में यहाँ पे काफ़ी पानी होता है, काफ़ी जल होता है, पर जिस टाइम मैं गया था जनवरी में, और मतलब विंटर सीजन में, यहाँ पे पानी काफ़ी कम हो जाता है, नदी का जल जो है काफ़ी लगभग सूख ही जाता है। पूरी दुनिया में माँ वैष्णो देवी के अनगिनत भक्त पाए जाते हैं, उनकी उपासना करने वाले दूर दूर से आते हैं, पर आज भी ऐसे कई लोग हैं जो माँ वैष्णो देवी की उपासना तो करते हैं लेकिन इससे जुड़ी जानकारी से पूरी तरह अनजान है। उनको पता ही नहीं है ये नदी किस लिए होती है, क्या नाम है, क्या कहानी है इसके पीछे, कुछ नहीं पता उनको। माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने से पहले और उनके दर्शन करने से पहले स्टार्टिंग में ही गंगा पड़ जाती है, और काफ़ी लोगों को उसके पीछे की कहानी ही नहीं पता। जिस तरह हरिद्वार में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह यहाँ स्नान करने से भक्तों को अपने पापों से छुटकारा मिल जाता है। वेलकम वेलकम वेलकम, जय माता दी। चलो आवाज चलती है ना आपकी, मेरा Thank you.
चार्जिंग।